हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो आप लोगों का आकांक्षा फोर्टी का एग्जाम होगा 2022 में इसमें आप लोगों का किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ ठीक है जो कि आप लोगों का मैं बता दू यहाँ पर देख सकते हो कि जो आप लोगों का मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ था दो में ठीक है 2009 में जो एग्जाम हुआ था उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों से लेकर 2013 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा भौतिक विज्ञान का और रासायनिक विज्ञान का जो कि आपने यहाँ पर देख लिए होंगे ठीक है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि मैं एक एक करके बताने वाला हूँ और मैं पहले से कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर कमेंट आता है कि सर बता दीजिए 2014 से लेकर 2022 तक दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था ज़्यादा कमेंट आता है तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा दो में किस टाइप का क्वेश्चन आया था दो से लेकर दो तक कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बता दीजिए अगर कमेंट आता है तो मैं जरूर बनाऊँगा ठीक है दोस्तों चलिए इस वीडियो को सामने तरीके से शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स तथा केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पर बताऊंगा तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखे जो मानव नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है तो इसका राइट आंसर होगा पुतली क्या आंसर होगा पुतली इसका बिल्कुल से आंसर हो जाएगा जो कि क्या करता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है उसके बाद आप लोगों का है कि धोवन सोडा का जलीय विलयन अम्लीय है या फिर क्षारिय है तो मैं कह दूँ दोस्तों धोवन का सोडा जो होता है ना जलीय विलयन ये आपका क्षारिय होता है क्या होती है दोस्तों क्षारिय होती है ठीक ना उसके बाद आप लोग का है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है तो दोस्तों विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा

कालिक ज्वाला के साथ जलता है क्या यह संतृप्त यौगिक है या फिर असंतृप्त यौगिक तो आपका कौन सा यौगिक होगा दोस्तों ये आप लोग का संतृप्त यौगिक होगा दोस्तों यहाँ तक था आप लोगों का 2009 का क्वेश्चन ठीक है ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था दोस्तों जब आप लोगों का 2009 में एग्जाम हुआ था आप लोगों का ज्यादातर कम एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था ठीक है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा पूछा जाता था इसीलिए यहाँ पर इतना ही था दो का क्वेश्चन चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं दो के ऊपर तो यहाँ से आप लोग का दो का क्वेश्चन शुरू हो जाता है तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक गोलीय दर्पण की बकरदा तिरजा बीस सेंटीमीटर दिया हुआ है तो फोकस फोकसूरिया

जी जैसे कि नेटल के डांक में कौन सा पाया जाता है किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है याद कीजिएगा या फिर कमेंट आता है तो इसका भी एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट का वीडियो बना देंगे ठीक है ताकि आपको याद हो जाए ठीक ना उसके बाद आप लोगों का क्या है देख सकते हो कि उस उक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करता है तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन क्वेश्चन है आप का सबसे ज़्यादा कह सकते हो देखिए ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा जाता है ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या होगा सेल यानी कि बैटरी ठीक है उसके बाद आप लोग देखिए क्या है कि तावा तथा जस्सा की मिश्र धातु का नाम क्या होगा इसका राइट आंसर होगा पीतल उसके बाद आप लोग आगे देखिए क्या है कि विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम तो एक हो जाएगा फ्यूज और उसके बाद अब हो जाएगा एमसीबी ठीक है और आप लोग बताओ तो एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है लाइव चैट में ठीक है बताओ हम देख रहे हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन C2H6 उसके बाद है कि C3H8 उसके बाद है C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है तो आप लोगों का संकलन अभिक्रिया अगर पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर होगा सी टू एच सिक्स ठीक है हम यहाँ पर ज्यादा समझा नहीं रहे हैं ठीक है उसके बाद आप लोग का यहाँ पर 2010 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आप लोगों का समाप्त हो जाता है अब हम बढ़ जाएंगे 2011 के ऊपर ठीक है मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों 2009 में जिस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम पूछा जाता था इसीलिए यहाँ पर कम ऑब्जेक्टिव मिल रहा है जैसे आप लोग 2015-16 में जाओगे वहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन मिलेगा अगर कमेंट आता है तो मैं उसको भी बनाऊंगा ठीक है चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आप लोग का दो से क्वेश्चन शुरू हो जाता है तो पहला क्वेश्चन देखिए की वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं उसके बाद आप लोग देखिए सी ए सी एल टू जौगिक का नाम क्या है तो इसका राइट आंसर होगा बीरंजक चूर्ण उसके बाद है कि सोल्डर नामक मिश्र धातु के कौन से अवयव है जिसका राइट आंसर होगा सी सात तथा टीन ठीक है उसके बाद है कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है तो एल्किन का सामान्य सूत्र मैं पहले भी बता चुका हूँ फिर भी बता रहा हूँ देखिए सी एन एस टू एन प्लास टू इसका क्या होती है सामान्य सूत्र हो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है क्या एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है तो एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस टू नहीं होता है जो कि मैंने टाइपिंग में गलत कर दिया है माफ कीजिएगा ठीक है इसका राइट आंसर क्या होगा सी एन एस टू एन ठीक है तो यहाँ पर आप लोग का दो हजार ग्यारह के क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं तो मैं पहले कहा जाना चाहूंगा इसमें बहुत ही ज्यादा कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ठीक है उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो आगे यहाँ से 2012 का क्वेश्चन शुरू हो जाता है तो पहला क्वेश्चन देखिए वाहनों के अग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा अब दर्पण और दोस्तों आकांक्षा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि दोस्तों कि वाहनों के अग्रदीपों में या पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का यूज होते हैं कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं उसके बाद आप लोग का अगला सवाल है कि CaSO4 1/2H2O हाँ का सामान्य नाम क्या है तो इसका सामान्य नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और आप लोग फटाफट लाइव चैट में बताओ कि जिप्सम का सामान्य सूत्र क्या होता है ठीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि उस उक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करती है दोस्तों ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया देख सकते हो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का दो बार पूछा जा चुका है और आगे भी आप लोगों का पूछा जाएगा ठीक है हम लोग आगे देखते हैं तो इसका राइट आंसर बता देना चाहता हूँ इसका सेल यानी कि बैटरी जो कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ ठीक है आप लोगों का ये क्वेश्चन कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग का है कि एक्वारेजिया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई मैं फिर से करना चाहूंगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सान्द्र नाइट्रिक अम्ल के साथ जब वन अनुपात थ्री के मिश्रण में हो जाता है जिसे क्या कहते हैं एक्वा रेजिया कहते हैं उसके बाद आप लोग का है कि ब्यूटेनान का प्रक्रियात्मक समूह क्या होगा जिसका राइट आंसर होगा कीटोन यहां से आप लोग का 2012 का जितना भी क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है और आप लोग का लास्ट कितना बचा 2013 का क्वेश्चन चलिए हम लोग उसको भी अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या है कि लेंस का क्षमता का ऐसा मात्र क्या है तो दोस्तों आप लोग टेंथ में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्र क्या होता है डायोप्टर होता है जिसे डी से सूचित किया जाता है ठीक है दोस्तों उसके बाद है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है एन और इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड ठीक है चलिए हम लोग आगे देखते हैं आगे आप लोग का मिल जाएगा यहाँ से देखिए

प्रेरण की घटना में कार्य करता है तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत जनित्र और मैं आकांक्षा एग्जाम के लिए एक सजेशन देना चाहूंगा लास्ट में ठीक है उससे पहले और एक क्वेश्चन है इसे भी डिस्कस कर लेते हैं अगला क्वेश्चन है क्या है कि का सामान्य सूत्र क्या होता है तो तो इसका राइट आंसर होगा अब मैं मैं क्या कहना चाहता हूं वो मैं बता देता हूं। तो यहां से आप दो हजार तेरह का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है अब मैं बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं दोस्तों आप लोग का विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर जो है इसे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में और मैं कहना चाहूँगा कि विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर जो है आप लोगों के आकांक्षी एग्जाम में इस साल पूछे जाने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है और मैं कहना चाहूंगा कि जो आप लोग का टर्म वन का एग्जाम हुआ था ठीक है टेंथ वालों के लिए ठीक है ना जो आप लोग का टर्म वन का एग्जाम हुआ था उसमें आप लोग का जो मॉडल पेपर पांच पांच सेट जारी हुआ था साइंस के लिए उन सारे जितने भी क्वेश्चन है आपको कर लेना है ताकि उनसे जुड़े अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप करके आओगे छोड़ के तो नहीं आओगे और एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि इलेवेन्थ का जो टॉपिक है उसे भी कवर किया जाए तो उसे मैं बहुत ही जल्द कवर करने की कोशिश करूंगा ठीक है दोस्तों इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद